मेरे को पता भी नहीं कि इनको अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, मेरे को बताया भी नहीं कि वो अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे। तुमसे मुंह तो दिखा देते, इतना तो उनका फर्ज था। जरा गौर से देखिए इस मजबूर पिता को, जिसने प्रशासन की लापरवाही के चलते अपने जिगर के टुकड़े को गवा दिया। कुछ वक्त पहले तक अपने जिस नवजात को किलकारियां भरते हुए देखकर इस पिता को सिलिकोसिस जैसी बीमारी से लड़ने की हिम्मत मिल रही थी, वो अब कुछ दिन पहले ही दुनिया में आए अपने नवजात को टुकड़ों में बिखरे हुए देख रहा है। बच्चे की मौत के बाद उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मामला सिरोही के जिला अस्पताल के चेस्ट वार्ड का है, जहां आवारा कुत्तों की दरिंदगी का शिकार होकर एक नवजात की जान चली गई। अभी तो उसे इस दुनिया में आए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था, अभी तो उसने बाहरी दुनिया को भी नहीं देखा था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर गलती किसकी है? नगर परिषद की, जिन्होंने अस्पताल में घूमते कुत्तों पर लगाम नहीं लगाई, या अस्पताल प्रशासन की, जिन्होंने अस्पताल में गार्ड नहीं रखा, या लोगों की, जिन्होंने वार्ड में आते जाते वक्त दरवाजा बंद नहीं किया? जरा सोचिए एक मजबूर पिता को, जिसके बच्चे के अंतिम संस्कार से पहले उसे उसका चेहरा भी ना दिखाया गया हो, क्या बीत रही होगी उस पर। पिता महेंद्र तो बस सिसकियां भरते हुए इतना ही कह रहा है, मरा थोड़ी था, कम से कम चेहरा तो दिखा देते। और यहाँ पे स्लिप कोस की वजह से मैं यहाँ पे कल दोपहर में मैं यहाँ पे आया था, और यहाँ आने के बाद में यहाँ पे मैं एडमिट हुआ, और यहाँ पे मेरे बच्चों को सुलाया, और मेरे घर वाले, और रात को 12 बजे तक तो ये जगती रही। उसके बाद में इसको कमर हमर दर्द हो रही थी, क्योंकि महीना भर भी नहीं हुआ है डिलीवरी में, तो इसको दर्द होने लगा था। इसने थोड़ी बहुत आँख बंद कर ली, 1 बजे 1 के 2 के आसपास कुत्ते अंदर आए और उसको उठा के लेके चले गए मेरे बच्चे को यहाँ से। फिर मेरी आँखें खुली तो मैंने बोला बच्चा कहाँ है, तो बोले कि मेरे को पता नहीं, बाहर जाके देख, तो कुत्ते तोड़ रहे इधर उधर से, तो ये दौड़ के आए, इन लोगों को बाहर भेजा, तो कुत्ते ने सर धड़ अलग कर दिया, हाथ पैर सब, तो इन्होंने छोड़ा। फिर डॉक्टर उन्होंने बुलाए, फिर वहाँ से उसको सब इकट्ठा किया थोड़ा थोड़ा इकट्ठे। इधर इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है और हम जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि असल में ये सब कैसे हुआ। रात को 3 बजे ड्यूटी पे जो चिकित्सक थे उन्होंने फोन पे सूचना दी कि एक बच्चे वार्ड से मिसिंग है, और एक बॉडी, बच्चे की बॉडी मिली है। तो उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल आए और बच्चे की बॉडी देखी थी, मोर्चरी में रख पाई, सुबह PM करवाया, और क्या घटना हुई उसके लिए अभी जांच के लिए कहा है, जांच और फुटेज देख के फिर आगे बता सकते हैं कि क्या हुआ कैसे। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलते ही इस पूरे मामले पर जिला भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी विधानसभा में मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित मां को सरकारी नौकरी और 10 लाख का मुआवजा देने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पाली जिले के जवाई बांध निवासी महेंद्र कुमार टीमाराम जी मीना मेडिकल कॉलेज सिरोही से संबंध जिला अस्पताल में कल सिलिकोसिस वार्ड में भर्ती हुआ। उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे साथ थे, जिसमें छोटा बच्चा 28 दिन का था। रात को माँ 12 बजे दूध पिला करके सो गई और कोई पेशेंट बाद में वार्ड का गेट खुला छोड़कर निकल गया तो बच्चे को कुत्ते उठा के ले गए, 28 दिन के बच्चे को। और माननीय सभापति महोदय, जब वो माँ उठी तो उसे देखा बच्चा नहीं है, तब उसे शोर किया और सबको इकट्ठा किया तो बाहर देखा तो कुत्ता उसकी गर्दन को अलग कर चुका था। हृदय विदारक घटना है, मानवता को सर्वसार करने वाली घटना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करूंगा, इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित उसकी माँ को सरकारी नौकरी दें और 10 लाख रुपये मुआवजा दें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आवारा कुत्तों के हमले में काल का ग्रास बने मासूम की तस्वीर अभी जहन से धुंधली भी नहीं हुई।
कि अब राजस्थान में एक नवजात के अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों की दरिंदगी का शिकार होकर जान गंवाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक है। गली मोहल्ले में भी आए दिन कुत्तों के काटने और गाड़ियों के पीछे भागने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने अब तक आवारा कुत्तों की इस समस्या के निदान के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए सिरोही से राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट।